नमस्कार दोस्तों, बोल स्काई में आपका स्वागत करती हूँ। रमजान एक ऐसा समय है जब आप अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। इस समय अल्लाह द्वारा आपकी इच्छा और मन्नत ज्यादा जल्दी सुनी जाती है और आपके पाप धुल जाते हैं। इस महीने में रोजादार को इफ्तार कराने वाले के गुनाह माफ हो जाते हैं। जो शख्स आम दिनों में इबादतों से दूर होता है, वो भी रमजान में इबादत गुजार बन जाता है। ये सब्र का महीना है और सब्र के बदले उसे जन्नत नसीब होती है। जब आप जरूरतमंद लोगों को खाना और पैसे दान करते हैं, तब आपको मानवता और खुशियों का सही मतलब पता चलता है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ जरूरी चीजों के बारे में जो कि रमजान के दौरान नहीं करनी चाहिए। यदि आप सच्चे मुसलमान हो तो ऐसे समय नजरें नीचे कर लें। विपरीत सेक्स पर नजर डालने से आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाएगा और आप पाप कर बैठेंगे। खास तौर पर रमजान के समय ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये समय अल्लाह के आशीर्वाद लेने का और पापों से दूर रहने का है। रमजान धैर्य रखने और दूसरों पर मानवता दिखाने का समय है। यदि आप किसी से लड़ेंगे या गाली गलौज करेंगे तो आपकी आत्मा तो साफ होगी ही नहीं, जबकि मन और आत्मा को साफ करना रमजान का मुख्य उद्देश्य है। यदि आपको कोई उत्तेजित भी करता है तो शांत रहें और उस व्यक्ति को 3 बार बता दें कि आपका रोजा है। इस्लाम में हमें सही कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारी शालीनता बनी रहे और विपरीत सेक्स हमारी तरफ आकर्षित ना हो। ये भी आपके रोजे को खराब कर सकता है। पागलों की तरह जोर से हंसना सही नहीं है। हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब केवल सुंदर मुस्कान से मुस्कुराते थे, वे कभी जोर से नहीं हंसते थे। इससे आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा और शालीनता आएगी। रमजान में यदि आप ज्यादा जोर से हंसेंगे तो आपका रोजा खराब या मकरूह हो जाएगा। पूरे दिन खाने के बारे में सोचने की सलाह रमजान में नहीं दी जाती। इससे आपका रोजा भी खराब होगा और आप अल्लाह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान आपको रमजान के समय जरूर रखना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल स्काई।